हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न सो टुडे गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 16 दैट इज लाइट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सपोज यू आर इन अ डार्क रूम कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम एक्सप्लेन मानो कि अगर आप एक अंधेरे कमरे में हो तो क्या आप उस कमरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हैं उनको देख पाओगे या आप जो ऑब्जेक्ट रूम के बाहर हैं क्या उनको देख पाओगे तो आपको बताना है सो आंसर इज जब हम एक डार्क रूम में यानी कि अंधेरे वाले कमरे में होंगे तो हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते क्योंकि उस कमरे में कोई लाइट नहीं होगी और विदाउट लाइट हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते लेकिन जो ऑब्जेक्ट आउटसाइड है उस रूम के तो उनको हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि वहां पर लाइट अवेलेबल है और वो लाइट उन ऑब्जेक्ट से टकराकर उनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचेगी जिसकी वजह से हम उन ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सकेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अंतर बताना है और साथ ही बताना है क्या जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फेल करता है यानी कि उसको पूर्ण नहीं करता सो so, जो डिफरेंस है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो रेगुलर रिफ्लैक्शंस होता है उसमें जो रेज होती हैं वो एक दूसरे के पैरलर होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो किरणें होती हैं वो समांतर नहीं होती वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं सेकेंड जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो एक स्मूथ और पॉलिस्ड सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक करती है उसके बाद जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है लेकिन जब लाइट किसी रफ सरफेस से टकराती है और वहां से रिफ्लेक्टेड होती है तो उस केस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है थर्ड जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन में वो सभी एक तरफ यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करती हैं उनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती जो नेक्स्ट है कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फेल्योर करता है सो नो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है नेक्स्ट इज मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस वेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है आपको बताना है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट इन कंडीशन में या इन सर्फेसिस पर स्ट्राइक करेगी तो वो किस तरह का रिफ्लेक्शन शो करेगी सो फर्स्ट इज पॉलिस्ड वुडन टेबल जब कोई रे ऑफ लाइट पॉलिश हुई वुडन टेबल पर स्ट्राइक करेगी तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन ही शो करेगी क्योंकि जो प्लेन सर्फेसेस होती हैं वहां पर लाइट रेगुलर रिफ्लेक्शन ही शो करती है नेक्स्ट वन इज द चौक पाउडर चौक पाउडर क्योंकि रफ होता है तो यहां पर जो सरफेस है वो रफ है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा नेक्स्ट इज कार्डबोर्ड सरफेस कार्डबोर्ड सरफेस भी रफ सरफेस होती है तो यहां पर भी रे ऑफ लाइट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही शो करेंगी नेक्स्ट मार्बल फ्लोर विद वॉटर स्प्रेड ओवर इट कोई मार्बल फ्लोर जिसके ऊपर पानी गिरा हुआ है तो मार्बल तो पहले ही प्लेन होता है स्मूथ होता है और उसके ऊपर जो वाटर सर्फेस है वो भी स्मूथ होती है तो यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन शो होगा नेक्स्ट मिरर तो मिरर जो सरफेस है वो शाइनी होती है प्लेन होती है स्मूथ होती है तो यहाँ पर भी रेगुलर रिफ्लेक्शन ही शो होगा नेक्स्ट पीस ऑफ पेपर पीस ऑफ पेपर की जो सरफेस होती है वो रफ होती है तो इस केस में यहां पर जो सरफेस है रफ है तो जो रे ऑफ लाइट है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन शो करेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन को आपको बताना है तो जो फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन लाई इन द सेम प्लेन जो इंसिडेंट रे होती है उसके बाद जो नॉर्मल होती है बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों रे एक ही प्लेन पर सेम प्लेन पर ही लाई करती हैं जो सेकेंड है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये दोनों लॉज ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थर्टी फाइव डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 डिग्री होगा सो so, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस नेक्स्ट इज describe an activity to show that the incident ray the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane aapko ek aisi activity describe karni hai jisme aap जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है यानी कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे सभी एक पॉइंट पर लाई कर सकें वो आपको दिखाना है सो so इसमें जो आपके मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको चाहिए एक प्लेन मिरर एक होल्डर और एक रे बॉक्स जिसमें से कुछ लाइट रेज निकलती हों तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको एक वाइट पेपर लेना है और उसको एक कार्डबोर्ड पर फिक्स करना है जो प्लेन मिरर आपने लिया है उसको आपको पेपर के एक तरफ एक्सटेंड की हेल्प से वर्टिकली अरेंज करना है अब मिरर के सामने से एक एंगल से आपको उस रे बॉक्स की हेल्प से एक लाइट रे उस मिरर पर डालनी है जो रे ऑफ लाइट रे बॉक्स से निकलकर मिरर पर स्ट्राइक हो रही है वो इंसिडेंट रे है अब वो उस सरफेस से टकराकर स्ट्राइक होकर किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे और उसी की हेल्प से हम बीच में एक नॉर्मल रे भी उस वाइट पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे और इन तीनों रेज को हम पेंसिल की हेल्प से उस वाइट पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे अब जो पेपर साइड में बचा हुआ है एजिस के उसको हम फोल्ड करके देखेंगे तो हमें दिखेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो उस फोल्डेड पेपर पर शो नहीं हो रही लेकिन जब हम उस पेपर को उसकी ओरिजिनल पोजिशन में यानी कि ओपन करके देखते हैं तो हमें वो रिफ्लेक्टेड नज़र आती है तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं उस जब हम उस शीट को देखते हैं बोर्ड पर तो हम बता सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो तीनों ही एक ही प्लेन पर शो हो रही हैं या एक ही प्लेन पर लाई करती हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में दिखाया गया है आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों कंडीशन में जहाँ पर पेपर फोल्ड है और जहाँ पर ओपन है मींस तीनों रे ऑफ लाइट एक ही प्लेन पर लाइक like करती हैं तो इस पिक्चर को आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग यहाँ एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें जो ब्लैंक प्लेस है वहां पर आपको एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है फर्स्ट अ पर्सन वन मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश अवे फ्रॉम हिज इमेज तो अगर कोई पर्सन प्लेन मिरर से एक मीटर दूर है तो वो अपनी इमेज में कितना दूर दिखाई देगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से टू मीटर अवे दिखाई देगा नेक्स्ट बी इफ यू टच योर डैश ईयर विद द राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज़ टस्ट विद द डैश हैंड तो अगर आप अपने लेफ्ट ईयर को अपने राइट right हैंड से टच करोगे तो आपको मिरर में दिखाई देगा कि आपका जो राइट right ईयर है वो आपके लेफ्ट हैंड से टच किया हुआ है क्योंकि जो प्लेन मिरर होते हैं उसमें हमारी इमेज लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देती हैं सी द साइज ऑफ द प्यूपल बिकम लार्ज वेन यू सी इन डिम लाइट तो जब हम डिम लाइट में देखते हैं तो हमारी जो प्यूपल्स होती हैं उनका साइज लार्ज हो जाता है डी नाइट बर्ड्स है देयर आइज जो रात में देखने वाले पक्षी होते हैं जो रात को जगते हैं उनमें जो कॉन सेल्स होती हैं वो कम होती हैं इन कंपेरिजन टू द रोड सेल्स क्योंकि जो रोड सेल्स होती हैं वही डिमलाइट में उनको देखने के लिए एबल होती हैं सो नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है सो so, जो ये कंडीशन होती है ये हमेशा ही होती है सो इट इज़ ऑलवेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज आपको जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है तो हमेशा प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है और जो इमेज होती है क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर होती है एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो उसी के साइज की होती है सो आंसर इज बी वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ केलाइडोस्कोप कैलाइडोस्कोप कैसे बनता है उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताना है तो इसमें आपको तीन रेक्टेंगुलर मिरर की स्ट्रिप्स लेनी है जिनकी जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो 15 सेंटीमीटर इंटू फोर सेंटीमीटर होनी चाहिए उन तीनों को आपको टुगेदर ज्वाइन करना है ताकि वो एक प्रिज्म की फॉर्म में आ जाए अब उन मिरर को जो प्रिज्म के रूप में सेट हुई हैं, उनको एक सर्कुलर गोलाकार कार्डबोर्ड में लगाना है और जो कार्डबोर्ड शीट है वो वो ट्यूब थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए देन द प्रिज्म अब इस कार्डबोर्ड जो ट्यूब है उसके एक एंड को आपको कार्डबोर्ड डिस्क से कवर करना है और उस कार्डबोर्ड डिस्क में जिसमें बीच में एक होल होगा अब उस प्रिज्म में दूसरे एंड से कुछ ग्लासेस जो टूटे हुए छोटे ब्रोकन ग्लासेस होते हैं या बेंगल्स के जो पीसेस होते हैं वो या कलर्ड पेपर वगैरह आप उसमें डाल दोगे और फिर उसको एक मिरर से जो प्लेन मिरर डिस्क है उससे उसको कवर कर दोगे अब जब आप उस कार्डबोर्ड की जो होल है एक एंड में जो आपने कार्डबोर्ड डिस्क लगाई है एक होल वाली जब आप उस होल में से के अंदर देखोगे तो उसके अंदर जो कलर्ड पीसेस है ब्रोकन ग्लासेस है बैंगल्स के पीसेस हैं, वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ डिजाइन बनाएंगे और क्योंकि वो तीनों ग्लासेस में आपको जो आपने मिरर लिए हैं उनमें उनके रिफ्लेक्शन शो होंगे तो अंदर आपको बहुत ही अच्छा और कलरफुल पैटर्न दिखाई देगा और जो ये पैटर्न होता है ये बार बार चेंज होता है कभी भी एक जैसा पैटर्न नहीं दिखाई देता तो इस तरह से आप एक कैलेडोस्कोप बना सकते हो जैसा कि इमेज में आपको ये पूरा प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी दिखाया गया है तो इस तरह से आप एक जो क्लाइडोस्कोप है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एट योर होम नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ द ह्यूमन आई ह्यूमन आई का आपको डायग्राम बनाना है और उसको लेबल करना है तो यहां पर जो ह्यूमन आई है उसका डायग्राम आपको दिखाया गया है जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है दैट इज कॉर्निया उसके बाद बीच में एक मिडल में लेंस है जिसको सेलरी मसल्स द्वारा टाई किया गया है उसके फ्रंट पार्ट में आयरिस होती है और जो लास्ट पार्ट है जहां पर इमेज फॉर्म होती है दैट इज रेटिना और रेटिना के बाद जो इमेज है वो जो भी फॉर्म हो रही है वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाती है सो दिस इज द होल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुरमित वे टू परफॉर्म एक्टिविटी सिक्सटीन पॉइंट एट यूजिंग अ लेजर टोर्च गुरमित एक एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहती है और वो भी एक लेजर टॉर्च की हेल्प से हर टीचर एडवाइज्ड हर नोट टू डू सो लेकिन उनके टीचर ने उनको ऐसा करने से रोक दिया कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द टीचर्स एडवाइस क्या आप बता सकते हो कि टीचर ने ऐसा क्यों किया होगा जो टीचर है उसने गुरमित को ऐसी एडवाइस इसलिए दी होगी क्योंकि जो लेज़र लाइट होती हैं वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं हमारी आइज़ के लिए और वो कोई भी परमानेंट डिफेक्ट हमारी आइज़ में कर सकती हैं जो पर्सन लेज़र लाइट का यूज़ कर रहा है अगर वो लाइट उसकी आँखों में जाती है तो वो परमानेंट अपनी आई साइट भी कर सकता है यानी कि वो अंधा भी हो सकता है या कोई और डिफेक्ट उसकी आइज में हो सकता है इसलिए टीचर ने गुरमीत को लेजर लाइट यूज करने से मना किया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ आइज आपको बताना है कि आप अपनी आंखों की देखभाल किस तरह से करेंगे सो so, आपको हमेशा रीडिंग ना तो बहुत ही तेज लाइट में ना बहुत ही डिम लाइट में करनी है हमेशा मीडियम लाइट में ही आपको कोई भी रीडिंग या जब आप पढ़ रहे हो आपको अपनी स्टडी करनी है सेकंड, आपको एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास चेकअप के लिए जाना चाहिए अगर आंख के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल चला गया या कोई स्मॉल इंसेक्ट्स आंखों में चला जाता है तो उसको रब नहीं करना चाहिए रगड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसको तुरंत ठंडे पानी से आई को वॉश करना चाहिए नेक्स्ट हमेशा जो सनलाइट होती है हमें डायरेक्ट अपनी आँखों से उनको नहीं देखना चाहिए सनलाइट को अवॉइड करना चाहिए वहीं पर पढ़ते टाइम हमेशा जो बुक से आइज़ का डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर आइज और बुक के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए अगर इन सब बातों का आप ख्याल करेंगे तो अपनी आंखों को आप सेफ रख सकते हो और अच्छे से उनकी देखभाल कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री टू द इंसिडेंट रे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है अगर एक रे ऑफ लाइट का जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो इंसिडेंट रे से नाइन्टी डिग्री है तो यहाँ पर जो एंगल नाइन्टी डिग्री दिया गया है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का दिया गया है सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो गया 90 डिग्री के जैसा कि हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के सो हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ आई प्लस एंगल आर इक्वल टू नाइन्टी डिग्री दैट मीन्स जो एंगल ऑफ आई है वो इक्वल होगा एंगल आर के तो हम जो एंगल आर है उसको भी अगर आई की एज्यूम करें तो एंगल आई प्लस एंगल आई इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और एंगल आई को अगर हमको मन ले तो टू एंगल आई इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और जब एंगल आई निकालेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय टू दैट इज 45 डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आ गया 45 डिग्री सो so, हमारा तो जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के मींस 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड 45 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि टोटल मिलाकर हो गया हमारा 90 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इमेजिस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू पैरलर प्लेन मिरर सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर आपको बताना है कि अगर किसी कैंडल को हम दो प्लेन मिरर जो कि एक दूसरे के पैरलर हैं और 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं तो बीच में रखी कैंडल की कितनी इमेजेस बनेंगी तो अगर कोई कैंडल दो प्लेन मिरर के बीच में रखी है जिनका डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है तो उस कैंडल की मल्टीपल यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा फॉर्म्ड होंगी क्योंकि वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा दोनों प्लेन मिरर के बीच में और हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस ही फॉर्म होती हैं जब कोई दो मिरर एक दूसरे के पैरलर रखे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स आ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री एशन यहाँ पर दो मिरर आप देख रहे हो पिक्चर में दोनों को नाइंटी डिग्री के एंगल पर रखा गया है और उसमें से एक मिररर पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है जो कि नॉर्मल के साथ थर्टी डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है अब आपको एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है फ्रॉम द सेकेंड मिररर सो आंसर इज इट कैन बी observed दैट द गिवन रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द second mirror एट एन एंगल ऑफ 60. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो second जो mirror है वहाँ से जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी क्योंकि जो फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट थी उसने 30 डिग्री का एंगल फॉर्म किया था नॉर्मल के साथ और जो वो जाकर रिफ्लेक्ट होगी तो वहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसी मिरर पर वो थर्टी डिग्री का बनेगा और यहां से ये रे ऑफ लाइट जब सेकेंड मिरर पर जाके स्ट्राइक करती है तो क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री का था तो 90 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री का बनता है तो ये सेकेंड मिरर पर 60 डिग्री पे जाके इंसिडेंट करेगी और जब रिफ्लेक्ट करेगी तो नॉर्मल के साथ भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो आंसर इज 60 degree next question is buju stand at a just on the side of a plane mirror as shown in figure 16.20 can he see himself in the mirror ऑल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पी क्यू एंड आर तो जो बुज़ो है वो एक प्लेन मिरर के सामने ए पोजीशन पर खड़ा है तो आपको बताना है कि क्या वो अपने आप को मिरर में देख पाएगा और साथ ही जो ऑब्जेक्ट्स पी क्यू एंड आर पर हैं, तो क्या वो उनकी इमेज को भी उस मिरर में देख पाएगा सो आंसर इज बूझो अपनी इमेज को मिरर में नहीं देख सकता जैसा कि आप यहाँ रे डायग्राम में देख रहे हो जो बूझो क्योंकि वो ए पर है और एक ही इमेज मिरर्स में नहीं बन रही मिरर उसके साइड में रह जाता है तो वो अपने आप को उस मिरर में नहीं देख सकता साथ ही जो बूझो है वो सिर्फ पी एंड Q पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज को मिरर में देख पाएगा लेकिन जो आर है उसकी रे ऑफ लाइट मिरर से ट्रेवल नहीं करती या मिरर पे स्ट्राइक नहीं करती तो इसलिए वो आर वाली जो ऑब्जेक्ट है उसको देख नहीं सकता जैसा आप रे डायग्राम में देख के इस आंसर को अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि किन ऑब्जेक्ट्स की इमेज मिरर में बन रही है और जिन ऑब्जेक्ट्स की इमेज मिरर में बन रही है सिर्फ वही इमेजेस बूझों को दिखाई देंगी और जिनकी इमेज मिरर में नहीं बन रही वो बूझों को दिखाई नहीं देंगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर फिगर सिक्सटीन पॉइंट टू वन तो जो फिगर है सिक्सटीन पॉइंट टू वन वो वहां पर एक मिरर रखा हुआ है तो आपको जो ए पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को फाइंड आउट करना है कि वो मिरर में कहाँ बनेगी साथ ही क्या जो पहेली है वो बी पर खड़ी है बी पोजीशन पर तो क्या वो उस इमेज को देख पाएगी और जो बूझो है वो पॉइंट सी पे है तो क्या बूझो भी उस इमेज को देख पाएगा और साथ ही आपको बताना है कि अगर पहेली बी से सी की तरफ मूव करती है तो ए पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ पर मूव करेगी सो आंसर इज जो ए की इमेज है वो आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो ए के सामने ही बिल्कुल बिहाइंड द मिरर बन रही है वहीं पर yes जो पहली है वो बी प्लेस से ए वाली इमेज को आसानी से देख पा रही है वहीं पर जो सी यानी कि जो बूजो है जहाँ सी पोजिशन पर है वो भी ए वाली इमेज को आसानी से देख पा रहा है वहीं पर अगर डी में जो पहली है वो बी से सी की तरफ मूव करेगी तो जो ए की इमेज है वो कहीं पर मूव नहीं करेगी क्योंकि ए वाला ऑब्जेक्ट अपनी ही प्लेस पे है तो बिना उसके मूव किए जो एक ही इमेज है वो मूव नहीं कर सकती तो पहली अगर बी से सी पर भी आए तो एक ही इमेज ए पर ही रहेगी वो मूव नहीं करेगी इसे आप पिक्चर में देखकर आसानी से समझ सकते हैं ओके स्टूडेंट्स Hope you understood the solution of this chapter. So please like, share and comment on the video. Subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.